हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डिप्लोमा में जो ऑनर्स बनती है या फर्स्ट डिवीज़न बनती है या फर्स्ट विद ऑनर्स बनती है या सेकंड डिवीज़न बनती है, तो उसमें जो है वो क्या उसके क्राइटेरिया रहते हैं, ये सारी डिटेल जो है हम आज के वीडियो में देखेंगे। क्योंकि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि जैसे 12th 12th में 75% रहता है, उसके ऊपर ऑनर्स बन जाती है, और 12वीं जैसे और BA वगैरह BSc में भी 75% का क्राइटेरिया होता है, लेकिन डिप्लोमा में थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। मैं आगे चर्चा करूँगा कि डिप्लोमा में परसेंटेज ज़्यादा आने पर ही ऑनर्स क्यों बनती है, लेकिन अभी फ़िलहाल पहले हम रूल्स देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि अवार्ड ऑफ डिवीज़न इन फाइनल ईयर ओनली। तो फाइनल ईयर में जो है आपकी अगर फर्स्ट विथ ऑनर्स बननी है तो उसके लिए देखिए 80% और मोर, इतने नंबर आपके होने चाहिए। 80% आ जाएं या उससे ज़्यादा आ जाएं तो आपकी ऑनर्स बनेगी। इसके बाद फर्स्ट डिवीज़न जो है आपकी 66% और मोर, ठीक है ना। 60% आमतौर पे 10th 12th और BA BSc वगैरह में रहती है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया जो है वो 66% का है। और उसके बाद जो है वो सेकेंड डिवीज़न जो आपकी बनती है वो 45% और मोर पे बनती है, और उसके नीचे फिर कोई उसका वही नहीं है। 45% से नीचे पे आप जो है वो बैक बैक या फेल जो भी है ये कंडीशंस हो जाती हैं। फेल डिसाइड करने का रीज़न नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे ज़्यादातर डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्योंकि प्रैक्टिकल और सेशनल इतने होते हैं कि बच्चे के इससे कम नंबर आना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपका ईयर बैक लगी है या क्या है वो बैक से नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स से डिसाइड होता है कि 4 से ज़्यादा पे आ जाए वो। उसके लिए रिलेटेड रूल्स आपको मैंने बता रखे हैं। UPBT के सारे रूल्स जानने के लिए आपको हमारे चैनल पर जाना चाहिए और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के, वहाँ पे UPBT रूल्स एंड रेगुलेशंस नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें लगभग 80 से ज़्यादा वीडियो अब तक मैं बना चुका हूँ। सबको वो प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस ज़रूर 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 देखने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा है कि एक ही वीडियो में सब कुछ भरा नहीं जा सकता। कोई दिमाग में बात निकलती है किसी वीडियो में, कोई बात निकल जाती है मुँह से किसी वीडियो में, कोई बात किसी वीडियो में निकल जाती है। तो इस वजह से जो है आपको सारे वीडियोज़ ध्यान से देखने चाहिए। तो अच्छा, अब फार्मेसी वाले बच्चे अगर चाहते हैं कि फार्मेसी वालों के लिए क्या है, तो फार्मेसी वालों के लिए देखिए फर्स्ट डिवीज़न विद ऑनर्स तो 80% पे ही है, इनके लिए कोई वो खास रूल नहीं है, मतलब वही चीज़ है दोनों के लिए। लेकिन जो फर्स्ट डिवीज़न का क्राइटेरिया है वो 60% के बजाय 60% है। तो फार्मेसी वाले बच्चे, हालांकि उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन ध्यान रखें इस चीज़ को कि 60% 45% से ऊपर और 60% से बीच में अगर नंबर है तो उनकी सेकंड डिवीज़न है, 60 से 80% है तो उनकी फर्स्ट डिवीज़न आएगी, और अगर मान लिया 80% से ऊपर है तो उनकी फर्स्ट विद ऑनर्स आएगी। तो ये क्राइटेरिया रहता है। मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए मैं अब बता देता हूँ कि ये आपको कहाँ से मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये सब लिखा हुआ कहाँ से, क्या आपने मन से लिख लिया है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप UPBT की कोई भी मार्कशीट उठा लें और उस मार्कशीट फाइनल ईयर की मार्कशीट के पीछे जो है वो आप देखें तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी वहाँ पे। ये वहीं से ली गई इन्फॉर्मेशन, ये कोई अपने आप से नहीं बनाई गई है, तो इसलिए पूरी तरह से ऑथेंटिक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सारे रूल्स और ये कहाँ पर लिखा है, सारे प्रमाण आप स्वयं देख सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो आपको तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें ताकि जो जानकारी है सबके बीच में फैले। चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। हम ये भी सजेस्ट करेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जो कि एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 के नाम से है, ताकि आपको PDF और स्टडी मटेरियल आराम से मिलता रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, उसमें भी ऐड होना चाहें तो आप 7376292424 पर हमें अपना नाम, ब्रांच, कॉलेज, सेमेस्टर लिखकर भेज सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं। और वीडियो को अब ख़त्म करने का टाइम आ गया है। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।